Hello students, in this video we will learn about a new topic of class 7th from chapter 3, and that is data handling. And this is the part 1 videos of all other parts, and this is the section A of part 1 video. Okay, so what's data handling? So data handling is a collection, arrangement and accurate representation of numerical figures of facts. Firstly, data handling kya hai? Aap samajh sakte ho, teen pillars base hai aapka. पहला है कलेक्शन की जो डेटाज हैं आप जो न्यूमेरिकल फिगर्स और फैक्ट्स हैं किसी हमें सोर्स के थ्रू मिलते हैं उनका कलेक्शन करना उनका प्रॉपर अरेंजमेंट एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन. एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके दूसरों के लिए. ओके, एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स एंड फैक्ट टू मेक द इन्फॉर्मेशन ईजी टू अंडरस्टैंड. ये सब क्यों करते हैं? बिकॉज टू मेक द इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो दूसरों के लिए ईजी हो जाए अंडरस्टैंड करने के लिए, और साथ ही साथ ही कई चीज़ों को एनालाइज करने में हमारा हेल्प करे, लाइक एनालाइजिंग वेरी सिचुएशन एंड टू हेल्प इन एनालाइजिंग वेरी सिचुएशन. ओके, नाउ डेटा क्या होता है? तो डेटा क्या होता है? द डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स विच आर एक्सप्रेस न्यूमेरिकली इज कॉल्ड डेटा. तो वो डेटा जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सके हम लोग वो होता है डेटा. क्लियर? जस्ट लाइक आप किसी क्लास में गए और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर टेस्ट आप नोट डाउन कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? आपके डेटाज हो गए. और लाइक सपोज आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में गए, उनकी हाइट नोट कर रहे हो, उनका वेट नोट कर रहे हो, तो वो सारे न्यूमेरिकल फिगर ऑफ फैक्ट्स क्या हो गए? आपके पास जो आए वो डेटाज कहलाएंगे. ओके, डेटाज भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. तो प्राइमरी डेटा क्या होते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल को कोई डेटा कलेक्ट करने का टास्क असाइन किया जाए तो वो जो डेटा उस समय कलेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी डेटा. लाइक इट इज गिवन दैट द डेटा कलेक्टेड बाई एन इंडिविजुअल और अ पर्सन अपॉइंटेड बाई हिम डायरेक्टली. सो ये प्राइमरी डेटा उस पर्सन के थ्रू वो डायरेक्टली डेटा उसके पास आ रहा है, और वो जो डेटा उसके पास अभी प्रेजेंटली में है वो कहलाएगा प्राइमरी डेटा. ठीक है, एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? तो डेटा विच आर कलेक्टेड बाई समवन एल्स एंड यूज बाई द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज रिक्वायरमेंट. जो अक्सर कहते क्या होता है कि डेटा जो कलेक्ट होता है वो किसी पर्सन के किसी दूसरे पर्सन द्वारा होता है, और उन वो जो डेटा होता है कहीं दूसरे के पास कहीं और लोगों के पास जाता है जो कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पर्पज एनालाइजिंग के पर्पज से इस्तेमाल होता है. तो वो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है जो कि कई कामों में इस्तेमाल होता है. तो जो डेटा इन्वेस्टिगेटर पास आएगा वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डेटा कहलाएगा. ओके, बिकॉज उसने कलेक्ट नहीं किया है, उसने किसी और के थ्रू कलेक्ट कराया है, तो उसके पास जो डेटा आएगा वो क्या आएगा? सेकेंडरी डेटा आएगा. नाउ व्हाट इज रॉ एंड ग्रुप डेटा? द डेटा विच इज कलेक्टेड एंड पुट एज इट इज विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड रॉ एंड ग्रुप डेटा. आप कई सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स करते हो तो जब वो विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे, आप जो डायरेक्टली ऐसे रैंडमली ऑर्डर में कलेक्ट किए जा रहे हो तो वो क्या होंगे? बहुत ही कन्फ्यूजिंग होंगे. तो उस समय उन डेटाज को रॉ और अनग्रुप डेटा कहते हैं जो कि डेटाज विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट में आपके और वो पड़े हों. द डेटा विच इज़ कलेक्टेड एंड पुट एज इट इज़ विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट, जो बिना किसी ऑर्डर के हों वो क्या होंगे? आपके रॉ अनग्रुप डेटा होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्लास में, किसी क्लास सेवन्थ में जिसमें 25 स्टूडेंट हैं, उसमें टेस्ट कंडक्ट कराया आउट ऑफ 20 मार्क्स. तो जो हमें मार्क्स मिलेंगे उस 25 स्टूडेंट्स के, वो हम यहाँ सपोज कुछ सपोज हमने मार्क्स लिखा है कुछ इस तरह लिखा है जो कि 5, 17, 19, 3 एंड सो ऑन टू 10, 2, 6, 18. तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल रैंडम ऑर्डर में है. तो ये क्या है? आपके रॉ और अनग्रुप डेटा है विच इज़ पुट एज इट इज़ विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट. ओके.